गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट टॉपिक में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज में स्टडी किया था। फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव क्वांटिटीज को डिराइव या फाइंड किया जाता है। उनके डायमेंशंस हमने स्टडी किए थे फंडामेंटल क्वांटिटीज के, और आपको याद होगा सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने स्टडी की थी। नाउ डिराइव क्वांटिटीज में भी हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, और आज कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं, और कैसे फाइंड करते हैं डायमेंशन फार्मूला वो हम स्टडी करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में स्टार्ट करते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन में भी मिलेंगे और स्कूल लेवल के एग्जाम में भी मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आज मैं ये ले रहा हूँ मोमेंटम। मोमेंटम ना कहकर हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि आगे भी एंगुलर मोमेंटम भी टर्म आएगा। लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं। ना हमें इसका फाइंड करना है डायमेंशन फॉर्मूला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम? पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्लास 9th में आपने स्टडी किया है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। नाउ मास, मास के लिए कौन सा डायमेंशन यूज करेंगे? एम। हम इसको कर रहे हैं कि हमें पी का मोमेंटम निकालना है, यानी मोमेंट पी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। दैट इज लीनियर मोमेंटम का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है। मास के लिए यूज करेंगे कैपिटल एम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर होगी लेंथ एल पर सेकेंड, यानी टाइम की पावर -1। तो यानी कि यहाँ से आ गया जो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला है, एम एल टी -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ सेकंड आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम के बाद। क्लास 9th में आपने स्टडी किया है फोर्स। एफ से नोट करते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, नाउ डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी एफ इज मास का कैपिटल एम, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर दैट इज लेंथ पर सेकंड स्क्वायर इन टाइम की पावर -2। तो वी गेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम एल की पावर 1 टी की पावर -2। एम की पावर 1 को लिखते नहीं, एल की पावर 1 नहीं लिखेंगे तो 1 है। ओके, टी की पावर -2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। नाउ लीनियर मोमेंटम इन फोर्स हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं, थर्ड वन, जो क्लास 9th में ही स्टडी किया था, दैट इज वर्क। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो वर्क का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू होगा, फोर्स का फाइंड कर दिया हमने, फोर्स का है एम एल टी -2। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट एल, डिस्प्लेसमेंट मीटर में से करते हैं। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा, एम की पावर 1 पे लिखने की जरूरत नहीं, एल की पावर 1 और 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2, दैट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। और क्योंकि वर्क यूनिट क्या होती है? जूल होती है, एस आई यूनिट। तो जिसकी भी यूनिट जूल होगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम रहेगा, दैट इज एम एल स्क्वायर टी -2। चाहे वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्यों ना हो, पोटेंशियल एनर्जी क्यों ना हो, उसको भी हम फाइंड करके दिखाते हैं कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लेके आए तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाफ क्या है? एक न्यूमेरिकल टर्म है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होती तो कोई डायमेंशन नहीं, तो इसको नहीं देखा जाता। डायमेंशन में नंबर्स को नहीं देखा जाता। मास के लिए एम यूज किया, वेलोसिटी या स्पीड का क्या होता है? मीटर पर के नहीं, एल टी -1 का स्क्वायर। ओके, तो व्हाट वी गेट? एम एल स्क्वायर टी -2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख सकते हो जूल जिसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट होगी, उनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे। आप इस तरह पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वन पावर। यस, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पावर? वर्क अपॉन टाइम। और भी फॉर्मूले होते हैं जो आपने 9th क्लास में स्टडी किया, फोर्स इंटू स्पीड या वेलोसिटी। वर्क अपॉन टाइम्स निकाल लेते हैं, तो पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वर्क डन का अभी हमने फाइंड किया एम एल स्क्वायर टी -2। ओके, टाइम
टाइम का अपॉन टी, देन व्हाट वी गेट द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ पावर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, देन क्या हो जाएगा माइनस टू और इवन माइनस थ्री, तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। इसी तरह और भी आप डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा क्लास टेंथ की तरफ चलता हूँ। टेंथ क्लास में कुछ क्वांटिटीज आपने स्टडी की है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने चार्ज के बारे में बताया था, जैसे आपको याद होगा चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो क्यू इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज जो होगा करेंट के लिए ए और टाइम टी, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अब चार्ज आपको पता है, पोटेंशियल का क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम कहें या पोटेंशियल कहें, तो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, ये आपने क्लास टेंथ में स्टडी किया है। तो नाउ व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा, वर्क डन अभी आपने स्टडी किया, वर्क डन का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज का ये है दैट इज अपॉन ए टी, देन वी गेट द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके, तो इस तरह हमने फॉर्मूले की हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले आपको फाइंड करने आने चाहिए। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आप 11th में स्टडी करेंगे जो अब तक आपने स्टडी नहीं किया है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आप क्लास 12th में स्टडी करेंगे। तो अब ये बेसिक चीज़ें जो हर चैप्टर में आपको फाइंड करना है फॉर्मूले की हेल्प से। और आपका ये होमवर्क है कि आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके रखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।